पहले जानेंगे स्फीयर, गोला किसे कहते हैं? गोला क्या है? कोई बॉल है, कोई बॉल है, बॉल है, जस्ट लाइक बॉल को ही गोला समझ लीजिए, स्फीयर समझ लीजिए। और गोला जो होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस में होता है, ठीक है ना, थ्री डायमेंशनल स्पेस में होता है। इसका फिगर यहाँ पर बना हुआ है, देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक, इसके केंद्र से होकर, एक बिंदु से होकर, एक केंद्र से होकर दूसरे बिंदु तक जाना, केंद्र से होकर दूसरे बिंदु तक जाना, या क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, ठीक है ना। और केंद्र से बिंदु तक, केंद्र से इस बिंदु तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और गोले का देखिए, इसका तो ये हो गया, अब इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दो तीन फॉर्मूला है, इसको देख लेंगे। गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, क्या होता है 4/3 πr³, और r का मान इसमें निकालना होगा, तो इसके लिए यह फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। और r, r बराबर हो जाता है 3√3 × आयतन / 4π, ठीक है। दूसरा है, दूसरा फॉर्मूला है, गोले का संपूर्ण पृष्ठफल बराबर होता है क्या, 4πr², ठीक है। r बराबर, इसके लिए अगर r निकालना होगा तो r का फॉर्मूला लगाएंगे, √ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे 4π, ठीक है। अब इसका यह समझ गए, ये दो टूट निकालना है। अब इसके लिए देखिए, अर्ध गोले का यहाँ पर आयतन निकालना होगा, तो 2/3 πr³। आर क्यू क्यों? क्योंकि गोला जो होता है वह थ्री डायमेंशनल में रहता है, ठीक है ना। दूसरा आर निकालना होगा, तो 3√2π और अर्ध गोले का वक्र प्रक्षेत्रफल होता है 2πr², ठीक है ना। इसके लिए आयतन के लिए हो गया, और यह हो गया वक्र, अर्ध गोले का वक्र प्रक्षेत्रफल। इसी में संपूर्ण प्रक्षेत्रफल निकालना रहेगा, तो ऊपर वाला हिस्सा का जो ये एरिया होता है πr² होता है, जो जुड़ जाता है, ये क्या है, अर्ध गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 3πr². अगर इस फॉर्मूला को पूरा आप कंप्लीट करते हैं तो आपका पूरा सवाल बनेगा इस पर, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप एग्जांपल को समझिए, देखिएगा। जैसे मान लेते हैं गोले का आयतन, गोला का आयतन बराबर यहाँ पर दे दिया 88 m³, तो आपको निकालना क्या है, त्रिज्या, क्या निकालना है, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने दिया है, देखिए कहाँ दिया है, यहाँ दिया, नहीं क्या लिखे, 3√3 × βt 4π, 3 × वॉल्यूम कितना है देख लीजिए, 88, 4 × π का मान होता है 22/7, आज 3 × इतना / 4, देखिए काटिए, इसे कटेगा, 4 से 4 कट गया, 3√21, यही ना हुआ, इतना इसका आंसर हो गया, बस समझ गए।